अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम है आपका आरएच वर्ल्ड में। तो आज की हमारी रेसिपी है कच्चे कीमे के कबाब की, जो कि सबके फेवरेट होते हैं आई थिंक। तो चलें किचन की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, बहुत सारा सपोर्ट करें। तो चलें चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। यह हमने हाफ के जी कीमा ले लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया, हरे मिर्च और एक टमाटर ऐसे कट कर लिया है और इसे मिक्स कर देंगे। और यह हमने दो प्याज ले लिए हैं स्लाइस्ड। 1 टेबल स्पून तक नमक ऐड करेंगे, साथ ही ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून सौंफ, धनिया और जीरा का पाउडर रोस्ट किया हुआ। यह हमने लिया है 1 टीस्पून नारियल बुरादा, 1 टेबलस्पून यह हमने लिया है नारियल लच्छा, 1/2 टीस्पून हमने लिया है खशखश, 1/2 टीस्पून लिया है हमने ऐसा लाल कूटा हुआ लाल मिर्च, साथ ही लिया है 1/2 टीस्पून गरम मसाला, और ये हमने लिया है 200 ग्राम तक बेसन। हमने 1/2 केजी कीमा लिया था और 200 ग्राम उसमें ऐड करेंगे भुना हुआ बेसन। इनको हमने रोस्ट किया था और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से, जैसे हम आटा गूंथते हैं। तो अब साथ ही हम इसमें ऐड कर लेंगे थोड़ा सा केवड़ा वाटर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद हम फिर से एक बार इसको अच्छे से मसल देंगे, अच्छे से गूंद देंगे। जितने अच्छे से मसलेंगे हमारे कबाब उतने ही ज़्यादा सॉफ्ट होंगे और अच्छे होंगे। तो ये तो हमारा रेडी हो गया है और अब हम देंगे शेप कबाब का। इस तरीके से हमने सारे कबाब में शेप दे दिए हैं और एक साइड हमने रख दिया है थोड़ा सा ऑयल तवे में हीट होने के लिए। और ये हीट हो चुका है, हमने इसमें डाल दिए हैं कबाब। इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे क्रिस्पी क्रिस्पी से। ये देखें कितना अच्छा सा कलर आ रहा है, हमें दोनों साइड से इसको इसी तरीके से फ्राई कर लेना है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी दिख रहे हैं। तो ये हमारे कबाब तैयार है, हम डिश आउट कर लेंगे। तो ये देखिए बनकर तैयार है हमारे कच्चे कीमे के कबाब, बहुत ही टेस्टी बने हैं। और आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिलीज़ को खूब इम्प्रेस करें। और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बहुत सारा प्यार दें, बहुत सारा सपोर्ट करें। इंशाल्लाह ऐसे ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ मैं मिलती रहूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।